नगर निगम की ओर से सर्दी में बचाव के लिए हर बार अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाते हैं ताकि जरूरतमंद लोग उसमें रात के समय शरण ले सके, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से अस्थायी रैन बसेरे बनाने में रुचि नहीं दिखाई। कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से अस्थायी रैन बसेरे हर बार बनाए जाते हैं जिनमें सर्दी को ध्यान में रखते हुए पूरे इंतजाम किए जाते हैं। स्थायी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बेड और व्यवस्था होने से मजदूर तबके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुल्तानपुर कौन भरती है यहाँ पे? बीमार। अच्छा, रेन बसेरे में कब से रह रहे हो? यह बार आ चुका है। तो यहाँ पे पैसे लिए किसी ने? कोई ना कहे लेबर लेबर कुछ भी कोई ना। कहाँ से हो? बपोर से। यहाँ कैसे? बीमारे पापा। बीमारे पापा। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन से हो रेन बसेरे? कल ही आए। कल आए? हाँ। कितने रुपए लिए यहाँ पर? अब इतने लिए निःशुल्क। हाँ, ये अपने MBS हॉस्पिटल से आश्रय स्थल है, यहाँ पर निःशुल्क पेशेंटों के साथ जो आते हैं व्यक्ति उनको भी रखा जाता है और जो राहगीर आते हैं उन्हें भी रखा जाता है। यहाँ पर रजाई गद्दे पलंग तकिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भोजन की सभी सुचारू रूप से सारी व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ पर 55 व्यक्ति की कैपेसिटी है, 55 बेड है, यहाँ पर सुलाने की व्यवस्था है अपने। हाँ, ये MBS के अंदर तो आदमियों को सुलाया जाता है और महिलाओं के लिए JKL उनके सामने महिला आश्रय स्थल बना रखा है और महिलाओं महिलाएं संभालती है, यहाँ पर मैं संभालता हूँ। नगर निगम के द्वारा 4 स्थायी रूप से रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, 3 अस्थायी रूप से रैन बसेरे हैं। हमारे द्वारा 2 अस्थायी रैन बसेरे की शुरुआत कर दी है, 1 अस्थायी रैन बसेरा अब शुरुआत की जाएगी। इसमें बाहर सोने वाले लोगों से विशेष रूप से अपील है कि वो हमारे रैन बसेरे में आकर सोएं और बाहर किसी भी प्रकार की जो सर्दी है उससे बचा जा सकेगा। और प्लस ये है कि इंदिरा ये रैन बसेरे में सोने वालों को इंदिरा रसोई से फ्री भोजन है।